अरे मालपुआ, जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है उसमें एक पौना कटोरी शक्कर। अच्छी तरह से हम दूध को पका लेंगे शक्कर में। उसके लिए आधा कप, पौना कप सूजी लिया है, पौना कप मैदे का आटा, चार अंडे, थोड़े बादाम, इलायची पाउडर, रू अफ़ज़ा कलर के लिए, दूध गर्म होने के बाद हम ये सब सामग्री को इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें अंडा फेंटेंगे मालपुए के लिए, चार अंडे। अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया, इसमें हम दूध डालेंगे जिसमें हमने शक्कर मिला के रखी है। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। अब हम इसमें रू अफ़ज़ा डालेंगे। एक चम्मच बस। अब इसको हम दो घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे इसको। चलिए अब बनाने जा रहे हैं हम मालपुआ। ये दो घंटा हमारा बैटर मैरिनेट हो चुका है। ये हम बारबी मालपुआ बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दी हूँ। अभी हम फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, उसमें तेल डालेंगे। देखिए अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे मालपुए डालेंगे। आप बड़ा भी डाल सकते, मैं छोटा डाल रही हूँ। अब हम इसको पलट लेंगे। दोनों को अच्छी तरफ से सेक लेंगे पलट पलट कर।
देखिए अच्छी तरह से सेके गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरा डालेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे पहले वाले को। अभी हम दूसरा डालेंगे। अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। हमने दो किस्म के बनाए हैं, एक गोल में और एक ये शेप में। ये हमारे मालपुए बनके तैयार हो गए, पिंक मालपुए। देखिए अभी हम इसको प्लेटिंग करेंगे। हमने दो टाइप के बनाए ले, एक गोल शेप में एक राउंड शेप में। देखिए हम इसमें सब में पहला मलाई लगाएंगे। हमने मलाई को भी कलर दिया हुआ है क्योंकि हम बारबी मालपुआ बना रहे हैं ना। इसके बाद हम ये डालेंगे इसमें मिल्क मेट। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। देखिए आज की रेसिपी हम कैसी ली गई। आप लोग को अगर अच्छी होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, बारबी मालपुआ।